ये क्वेश्चन है फोर्स एग्जल्टेड बाय द लिक्विड जेट सबने ये फील किया होगा जब हम गार्डनिंग करते हैं तो जब लिक्विड जेट निकल रहा होता है जेट मतलब हाई स्पीड से निकलने वाला लिक्विड का फ्लो पाइप से तो वो एक बैकवर्ड थर्स लगाता है तो हमें पाइप को होल्ड करने के लिए एक फोर्स लगाना पड़ता है तो वो कितना भाई जेट ने पाइप पे पाइप ने लिक्विड पे लिक्विड जेट पे कितना फोर्स लगाया न्यूटन सर्लो से दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे तो एक वेरिएबल मास सिस्टम मान के चलो ये एक आपका पाइप है जिसमें रो डेंसिटी का लिक्विड वी वेलोसिटी से निकल रहा है यहां से और इस जेड का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए तो कैसे करेंगे f v v dm dm dt dt ये लगाना है v तो खैर लिक्विड जेट की वेलोसिटी सेकंड में कितना मास निकला तो देखिए मान लीजिए मैंने मान लिया कि डेल्टा t टाइम में डेल्टा x लेंथ का लिक्विड जेट इस क्रॉस सेक्शन से निकल जाता है डेल्टा t टाइम में क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है तो कितना वॉल्यूम होगा ये वॉल्यूम होगा एरिया इंटू लेंथ ए डेल्टा एक्स डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर ले तो मास आ जाएगा तो ये इतना मास डेल्टा टी टाइम में निकला तो इसको डेल्टा टी टाइम से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा -m dt m t, of of अब रो ए डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी क्या है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम ये बन जाएगी स्पीड

ए वी स्क्वायर और ये भी हमने वेरिएबल मास सिस्टम के वी डी एम बाई डी वाले फॉर्मूले से लगाया है तो और भी एप्लीकेशन बन सकते हैं बट आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि वेरिएबल मास सिस्टम में आपको v रिलेटिव डी एम बाई डी लगाना होता है अगर आप समझ जाओगे तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएंगे थैंक यू इसके बावजूद अगर कोई डाउट रह गया है तो नीचे मैसेज में आप लिख के पूछ सकते हो या पूछो तो ऐप में डाउनलोड करके पूछो तो ऐप डाउनलोड करके आप उसमें जो भी डाउट है उसका स्नैपशॉट पोस्ट करके भी आप डाउट अपने पूछ सकते हो